मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यानी आज कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत शिवहर जिला में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निजी भवन रैती लीज नीति 2014 के तहत 501 एकड़ भूमि लिए जाने हेतु कुल 2,60,52,000 और विद्यालय भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्रवकलन के आलोक में प्रवकलित राशि 46,35,28,000 की लागत राशि पर भवन निर्माण कराए जाने को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। आपको बता दें कि इस दोनों मद में 48,55,80,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति एवं लागू करने के संबंध कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही कैबिनेट ने वित्त विभाग से जुड़े आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं इसकी सॉफ्ट प्रति पेन ड्राइव में उपलब्ध कराने हेतु पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के उपक्रम सरस्वती प्रेस लिमिटेड कोलकाता को बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम में 131 ग से ख के तहत नामांकन के आधार पर प्रधिकारित करने के संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है। साथ ही कैबिनेट ने कृषि विभाग से जुड़े चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 केंद्रांश के तहत 18,09,99,000 और राज्यांश 12,06,67,000 यानी दोनों मद में 30,16,65,000 रुपए से योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति को मंजूरी दी गई है। साथ ही गृह विभाग से जुड़ी एक मंजूरी में कारा से जुड़े मामले में भागलपुर जिला निर्गत कहलगांव अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग बिहार पटना से प्राप्त प्रवकलन प्रस्ताव के आलोक में अनुमानित लागत 42,37,49,000 रुपए मात्र की नई स्कीम की स्वीकृति को कैबिनेट ने में मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। साथ ही ये भी बता दें कि स्कूल बनाने को लेकर भी जमीन लीज पर दी गई है और साथ ही साथ उसके लिए पैसे को भी स्वीकृति दे दी गई है। बता दें कि नीतीश कुमार की आज कैबिनेट की बैठक थी। इस बैठक में कुल मिलाकर 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है।